आए हैं बिलासपुर, हमें कुछ काम था और अभी फिलहाल के लिए हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं। वहाँ पे कुछ खाना खाएंगे और साथ में चाय पानी होगा हमारा, और इसके बाद हम चलते हैं अगले सफ़र पे। और इसके बाद हम घर नहीं जाएंगे, मतलब हमारी कोई ब्रेक नहीं है। हम इसके साथ, यार मेरे देखो ऐसे फेस कितना रिएक्शन हुआ है ना फेस पे फेशियल की वजह से, बट छोड़ एनी हाउ। हम अब क्या करेंगे, इसके बाद कहीं घूमी घूमी करने जा रहे हैं, तो वो आपको आगे आगे पता लग जाएगा। हम जा रहे हैं घूमी घूमी करने पहाड़ों में। आज बिलासपुर के पहाड़ दिखाऊंगा अंजलि। आज हमने मैचिंग मैचिंग दोनों नई टी शर्ट डाली है साथ में। इतना दुखी क्यों लग रहे हो? आज तो हमने सेम सेम टी शर्ट वियर की है। मैंने नहीं, नींद आ रही, मैंने थोड़ी देर बस ऐसे ही। नहीं, आंखें मत बंद करना। आंखें बंद हुई नींद है, प्राइवेट। ये है इंडिया का सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। दिल्ली में हो गया ये एम्स, बड़े बड़े ये हिमाचल में एक ही है। जैसे कोई फाइव स्टार होटल होता है ना, अभी नया बना ना। हम लोग यहाँ से आगे निकल रहे हैं शिमला की साइड, और ये ना ढाबा है यहाँ पे संगम स्टार। ये तहसील अर्की में पहुँच गए हम, भराड़ी घाट। ये हम ना डिस्ट्रिक्ट सोलन में पहुँच गए, पहले बिलासपुर था, अब सोलन शुरू हो गया। प्रीति को यहाँ पे पीनी चाय और मैगी के लिए बोल दिया मैंने, कहा चलो पहाड़ में आए तो मैगी खिलाते हो। अंचल, जिस जगह पे मेरे को हिमाचल की बस दिखती है ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, क्योंकि उस बस से बहुत सारी हमारी जिंदगी की कहानी जुड़ी हुई है। उस बस, वो बस ना होती तो हम, बट इनसे ज्यादा इनकी मम्मा की है, इससे ज्यादा याद है। हाँ, मम्मी ने तो वो अभी भी देखते ना उनको अपने। आगे मम्मी कहते हैं पता कैसे बोलते हैं, आगे साड़ी बस। हाँ, क्योंकि उनके स्टाफ की बस, किसी भी डिपो को ये हमारी साड़ी बस आ गई, हिमाचल की बस आ गई, तो हमें प्राउड फील होता है जब हिमाचल की बस कहीं अदर स्टेट में दिखती है, दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता है। दोनों ने मैचिंग की हुई है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज इन्होंने मेरा कहना मान लिया, नहीं तो ये हमेशा मेरा कहना नहीं मानते। इनको मैं बोलूँगी मैंने ऑरेंज वियर किया, आप भी ऑरेंज कलर का कुछ वियर करो नया, बट आज इन्होंने ब्लैक कलर वियर कर लिया। सेम टू सेम लग रहे हैं हम, पूरी आउटफिट सेम है, तो अच्छा लग रहा है। एक अभी बोल रहे हैं कि मेरे लिए एक अंकल चिप्स का पैकेट ले लें, और मैं सोच रही हूँ अपने लिए क्या लूँ, मैं अपने लिए ब्लू लेस का पैकेट ले लेती। बता रहे थे कि मैं ऐसे कहते गाड़ी आपकी उधर की लग रही है हमारे एरिया की। ओके, आधा घंटा बातें की उनसे सुनते। हाँ, दीदी ने उतनी देर में अपनी मैगी खा ली। अब चले निकले अपने सफर पे। चलो, मैंने ना एक चीज दिखाई सबको, सबको नहीं वो अच्छा अजर बट्टू वाला भूत, अजर बट्टू वाला मतलब नजर बट्टू वाला। मेरे को ना यहाँ पे ना उसकी खुशबू आ रही है शहद की, जैसे शहद का छत्ता नहीं होता, उसका मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता, नाक तेज है, उसकी खुशबू। मैंने अंकल को बोला कहते फूलों की हो सकती है, मैंने कहा अभी बड़ी ज्यादा खुशी हो रही है। कैसे बैठे है ना शाम, आंटी बोलते हैं चंडीगढ़ रहती है पर यहाँ पे भी आते रहते हैं, और यहाँ पे स्पेशल होटल बनाया उन्होंने संगम। किसी स्ट्रेंजर से पहली बार मिलकर इतना उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता जितना ये करते हैं। ये सबके साथ बहुत जल्दी एक बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, मतलब क्या बोल रही हूँ कि ये ना कोई भी इतनी जल्दी, मतलब किसी से इतनी जल्दी घुल मिल नहीं जाता इतनी जल्दी। चॉकलेट कहाँ लगी, चॉकलेट में चॉकलेट हाँ नहीं मिल रही के साथ, मतलब स्पेशली बहुत सारे लोगों के साथ ये जल्दी घुल मिल जाते हैं। जो इनके करीबी लोग देख रहे होंगे उनको तो पता होगा, तो मेरे से भी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जल्दी सबके साथ इंटरेक्ट करके उनके साथ एक अच्छी वाली वाइब भी क्रिएट कर लेता है। मेरे पिंपल्स दिख रहे हैं ना सारे फेस पे, बट हो जाएंगे ठीक। दीदी बैठेंगी आगे और मैं अब शूज़ उतार के आराम से लेटी लेटी करूँगी। तो इनका यही नेचर अच्छा लगता है, आप लोगों का इनका कौन सा नेचर अच्छा लगता है आप लोग भी जरूर कमेंट करना। तुम आंचल के लिए क्या पैक करवा रहे हो? ये तो नहीं, लोकल सारा तुम्हारे लिए। ये लोकल है? क्या तुम लोकल है ये भैया? अपना लगा इधर का लगा हुआ ये क्या बोला?
मतलब ये यहाँ का लोकल है। मैं तो छाटने वाला है, छाटने वाला नहीं है, सोना छाटना पड़ेगा। फिर तो क्या फ्रूट चाट में क्या कर लगाया? फ्रूट चाट में कितने का है? ले रहा है आंचल के लिए फ्रूट चाट। तो कितने? दो प्लेट। मैं भी ले लूँ, मैं चाय पी थी मैंने पहले, पर अब तो काफी टाइम हो गया। खास पानी पीना, वो नेचुरल पानी आता है वहाँ से। हाँ सारे पी के जाते हैं। कहाँ? वो सामने वो पाइप और वो लगी हुई है। शीशे खोल, शीशे खोल आंचल। मिनरल वाटर पीना और एक पाइप। से सफर को एंजॉय कर करके जा रहे हैं, जिसका जो मन कर रहा है उसको वो मिल रहा है खाने को। अभी जैसे फ्रूट चाट मिल रही है, इसके बाद आगे देखते हैं अगले स्टॉप पे क्या मिलता है, नहीं तो हम सीधा अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे तो आपको आगे आगे पता लगता रहेगा। तो इसके लिए वीडियो कंटिन्यू जारी रखो, एंड तक देखना, लाइक कर देना। फिर हम बाद में खाएंगे ना वो सब। हाँ जब वैसे नंबर भी 64-87 है, टीपू का कोड भी 64 है। हाँ छोटा आ रही है ना, ठंडा मौसम है यहाँ पे। अभी हम पता कहाँ पहुँचे? डालना घाट से। कितना सुंदर रास्ता दीपो है ना, पहाड़ में से ना धूप और छाया से, बीच में छाया थी। आंचल जाग रहे हैं। पता क्यों? कहाँ? क्योंकि यहाँ पे ना नेचर के पास लग रहा है। हाँ खाली सा रोड है ना, ये वही है जैसे विलेज जैसा है। और हम लास्ट टाइम मैं और प्रिया दीदी इस तरफ से आए थे, वहाँ लड़ाई नहीं हुई थी जब तू पहले भाग के आ गया था, तब हम आए थे इस रास्ते से। मैं पहली बार ही आई थी इस रास्ते, मैंने कभी भी नहीं आई पहले, तो तब हम आए थे। सारी दीपा चटी जी की बस इधर से कितनी आ रही है ना, यहाँ से शिमला से जो बस जाती है ना मनाली बिलासपुर के लिए या फिर धर्मशाला के लिए, वो सारी मिल जाती है। वो देखो कितना सुंदर लग रहा है ना बाहर देख रहे, देखा हमारा रूम जो हमने आज के लिए बुक किया है शिमला में, और ये है उसका बाहर का व्यू। मेरा बंदा आ गया है जो वाह, आपने कार देखा दी दिन रखी शूज क्या जज्बा बाहर खोल कहता हूँ। अच्छा सॉक्स बीच में आती है, अभी तो साइड पे रखी ड्राइवर की, वो करनी चाहिए आपको क्या? करती चाय मंगवाती हूँ आपके लिए, रुको मंगवाती हूँ। और ये है वॉशरूम एरिया, ये बाथिंग एरिया, और ये हूँ मैं। हम आए स्नो वैली रिजॉर्ट में, वैसे तो मेरी अकॉर्डिंग इसकी बात हो चुकी होगी, और अगर नहीं हुई तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि हम स्नो वैली रिजॉर्ट में रुके हैं। और अब हम फटाफट से रेडी हो जाएंगे, पूरा फेस ऐसे डल लग रहा है, फेस वॉश करेंगे, अगर थोड़ा सा मेकअप करना हुआ तो वो करेंगे ऑफकोर्स करेंगे, और तो या तो मैं ड्रेस डालूंगी या फिर जीन टॉप।
मंगवाई है 2 कप चाय और दो में 3 आ जाते हैं ना, तो फिर 2 ठीक है। मैं तो बहुत कम लूंगी, बहुत कम। देखो तो चाय कितनी अच्छी आ रही है, इलायची वाली है। हाँ सिर्फ इलायची वाली। तुमको अदरक वाली चाहिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर अदरक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो फिर इसमें डालेंगे अपने हिसाब से चीनी। देखो आंचल मेरे को लगा ये मार्शमेलो, लेकिन ये शुगर की। हाँ जी देखो तुम मुझे जितनी मीठी चाय पिलाओगी उतना मैं तुम्हारे साथ मीठा हो जाऊंगी। अब तुम मुझे पिलाते हो फीकी चाय, ठीक है? अब आप यही पियोगे, ठीक है? देखो मिठास रिश्ते में डालो, एक सारी डालो, दो अब लोग नहीं बोलेंगे, डालो अब लोग बोले देखो प्रीति आंचल को कैसे टोट मार रही है। हाँ ननंद ननंद बन गई। गाइस इसके पीछे हम आपको एक तो वीडियोस में जल्दी सब क्लियर करेंगे। हाँ। है ना। मैं अपनी चाय लेके अपने पति देव को देने जा रही हूँ। दी मेरा फेस कैसे उछल गया है ना थोड़ा थोड़ा, मतलब उछल के मैं नहीं, अब कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी अब। फेस कैसे आज आज दी मेरी टांग खिंचाई कर रही है, पूरी कर रही है, गाड़ी में भी कैसे उछला, गाड़ी में भी कर रही। हाँ ऐसे उछला मेरा फेस, ऐसे उछल गया एकदम, ऐसे 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 ऐसे। गाइस आंचल ने चार दिनों कितनी टांग खिंचाई करी, ओ हो बहुत कुछ हुआ है चार दिनों में, मजा आ गया। सारा दिन मुंह बनाया जिस टाइम देख लो तू कितना रूड बोल रहे, सारे देखो यार इधर रूड बोल रहे, जे एडिट कितना चीप है। मेरे 8 बजे उठे और रात 2 बजे तक मैं नींद नहीं आई। हां मैं एक रील बना लूंगा, मैं कपड़े चेंज करने यार, समझा करो। ओके दी गड्डी चला चला के मेरी बात सुन, तू कितनी रील बना, एक रील बना लो फिर नाल ही सोवो जो मर्जी करना, दीदी तेरे रूम च रुक जा, मैं आधा घंटा 15 मिनट रुक जा। ओके मैं कपड़े चेंज करूंगी, भाजो फिर। हमने मंगवाया था जोमेटो ऑनलाइन और हमने मंगवाई है उसमें बिरयानी, पनीर बिरयानी पता नहीं ऐसे कुछ, वेज पनीर बिरयानी और एक इंडियन वेज थाली। और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में, तो ये है हमारा सामान, अब फटाफट खा के फिर रेडी होते हैं और फिर हम चलते हैं घूमने फिरने। आई होप इस बार वाली लुक आपको शायद अच्छी लगे मेरी शायद, और बस मेरे को हेयर स्टाइल कुछ भी नहीं बन रहा था, मैं पिंस भी नहीं लेके आई, तो मैंने ऐसे कुछ भी मैसेज था मतलब बाल ऐसे किए और पिन कर लिया। तो अब हाँ सुबह शॉपिंग करेंगे, हम शॉपिंग करेंगे फटाफट, जो भी लेना सब इकट्ठा करेंगे फटाफट, ऐसे फटाफट टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है ऐसे लेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है पहुंच गए, कितना मजा आता ना, वो बहुत एंजॉय करती है साथ में, ज्यादा मम्मी को होता है कि मैं ये लूं, चलो मम्मी के लिए कुछ मैं लूंगी। हाँ लेते हैं कुछ, चले फोटो भी खींचते ना एक। हाँ मजा आ गया, आई कसम से ठंड नहीं लग रही, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को ऐसे अब जाके सुकून मिला, मेरे को रूम में कुछ हो रहा था। तो लाइव दिखा रही हूँ आपको, सड़क क्रॉस करेंगे मेरा हाथ पकड़ के, ये बच्चों की तरह करते, मैं बस देख रही हूँ गाड़ियाँ निकाली है लोग हमें, इनको सड़क क्रॉस करनी नहीं है। चलो 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 भागो भागो भागो, चलो चलते क्या बस। भैया पैसे ले लो, हम बस में बैठ चुके हैं, सारी गाड़ी में बैठते बस आई, जिसमें हमने जाना था वो बहुत लेट आई। एक आंटी आंटी कितनी वो ओल्ड आंटी थी, कितनी एज वाली आंटी थी, वो बहुत लेट थी, फटाफट से सड़क क्रॉस करनी ना, उनको पता है यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत चीज आती है। हमें उतरना है विक्ट्री टनल के पास, उसके बाद दोबारा एक बस चेंज करनी पड़ेगी एंड देन हम पहुंचेंगे लिफ्ट के पास। आप हमारी सास हो, हाय कितना सुंदर लग रहा है ना दी, दो बच्चे कैसे संभालू आंचल। देखो वो है ना हनुमान जी का मंदिर ऊपर, उसको क्या कुछ नाम है, ओके हम
अभी क्यों, कल चलते हैं। छोटी ट्रेन है ना ये, हमारा छोटी ट्रेन का रास्ता है। कभी तो मौका मिलेगा इस ट्रेन में जाने का। यहाँ पे जॉब करते हैं पापा। ये ओल्ड बस स्टैंड है शिमला का, ये पुराना बस स्टैंड HRTC का। ओके हाँ चलो चलो। हाँ यहाँ पे से उनकी ड्यूटी होती है ना किस चीज़, यहाँ से कनेक्ट होगी। ओके हाँ, तो यहीं से मतलब बसेस पापा यहाँ पे आना, यहाँ से उनके रूट स्टार्ट हो रहे हैं। तो घर भी यही होगा ना। हाँ शिमला में उधर रहते थे, जब मम्मी देखेंगे ना इस व्लॉग को मम्मी को होगा कि हाँ पुराना बस स्टैंड है। हाँ इमोशनल होंगे ना, पर ठीक है मम्मी की मेमोरीज में रिफ्रेश होगी ना आज का व्लॉग। हाँ उतरे थे लिफ्ट के पास ना। अच्छा अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। अब किधर जाना है, बहुत अच्छा लग रहा है इस बार ना, मेरे को ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि हम लोग बस से आए ना, तो एक इस बार हमें नहीं अच्छा लगा क्योंकि हम बस से आए ना। एक बस चेंज की फिर उसके बाद हम चले फिर दूसरी बस क्योंकि हम लेट हो गए पूरा एक घंटा, पर मजा आया मेरे को। अब जाते टाइम पैदल चलेंगे ठीक है। ये मैं तंग करते जानबूझ के। सारी डेकोरेशन का कितना सुंदर सामान है ना, यहाँ पे लेके दो चीजें कितनी सारी। नहीं ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं हुई। अंजल मजा आ रहा है। हाँ ये मूड क्यों नहीं। कुछ नहीं कुछ नहीं। हाय मैडम अंजल, बहुत शिमला घूम ठंडा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जल्दी तुम अपना वीडियो बना के आओ। तब क्या लेके दे रहे हो मेरे को? तेरे को लेके दूंगा स्वीट कॉर्न, वो भी ठीक है। हाँ हम इतनी चीजों से भी खुश हो जाते हैं क्योंकि हमको खाने का ज्यादा शौक है। हाय हाय खाना घूमना पीना सोना बस। हाँ है ना, चलो और क्या, चलो चल रहे हैं ऊपर ही। कितना क्राउड है ना, बाद में करेंगे शॉपिंग, पहले घूम फिर आते हैं। दुकानें बंद हो जाएंगी सारी। कोई बात नहीं, फिर अच्छा है ना, खर्चा कम होगा। कुछ भी नहीं हो पाएगा, सुबह आएंगे। चलिए ऊपर वहाँ पे ऊपर इधर से जाएंगे। ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है मेरे को। मैंने यहाँ पे देखा सब लोगों ने मोस्टली स्वेटर जैकेट्स ये सब वेयर किए क्योंकि वो यहाँ के लोकल लोग हैं और मेरे को ऐसे अच्छा लग रहा है। फिर बोलना वैसे डिटो सेम। और अंजल जी जो ने बोला ना वो बोल भी नहीं सकती। संजल कैसा लगा शिमला में आके? अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। कब से मन था कि कहीं ठंडी ठंडी जगह पे जाना, बट अच्छा लग रहा है। एक्चुअली सब लोग बोल रहे हैं कि आप लोग शिमला ही घूमते रहते हैं। शिमला एक टूरिस्ट प्लेस है, हमारे लिए नहीं है। शिमला ना एक वाइब है। शिमला में आकर के ऐसा लगता है कि हम लोग अपने घर में पहुंच गए, जन्नत पे पहुंच गए। शिमला सच्ची में कसम से बोल रही हूं, मेरे को शिमला नहीं पसंद था लेकिन मेरे को अब अच्छा लगने लगा क्योंकि जब हमारे साथ साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे जिंदगी के सारे मजे। क्रेडिट कार्ड मैंने बनाया नहीं, इसलिए नहीं बनाया मैंने। मेरे को पता उधार बंदे के पास होता फिर देना जाता। और शिमला में ना पापा रहते थे तो आंचल का मैंने दिखाया बस स्टैंड में कहाँ पे वो नौकरी करते थे। उस बस स्टैंड में उनकी ड्यूटी होती थी, वहाँ से चलते थे लोकल शिमला कभी समर हिल वगैरह वगैरह। तो HRTC में कंडक्टर थे पापा और वो बस स्टैंड देख करके एकदम से आंखों में ना आंसू से आ गए। बस ये कि शिमला एक बाई बाई यही बोलूंगा मैं कि हमारे लिए शिमला एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, हमारा एक घर है, दूसरा घर है या पहला घर बोल सकते हैं। चल चले चले चलो अब फिर आएंगे शिमला। बाय बाय। नहीं बाय बाय नहीं, अभी हम यहाँ पे हैं। शिल्पा शिमले वाली कल आएंगे हम। चलो रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा हो शिल्पा शिमले वाली। हाथ ठंडे हो गए, फिर मेरे हाथ जोर से पक कर लिए। चलो क्या
क्या लिया? ये स्पिनर। वाओ। ये तो बहुत फास्ट चल दिया ना। गोल्डन कलर का अच्छा लगा है ना भैया। स्ट्रोलर चाहिए? स्ट्रोलर मैम ले लो, मैम 100 रुपए दे देंगे। 100 रुपए भैया हमें तो चाहिए था। चाहिए था? हाँ जी। चलो बैठो मैम, आप कब से ढूंढ रहे थे? मैम बैठो, जल्दी बैठो। अरे मैं नहीं बैठूंगी। दिख बोल कितना कुछ है। कहाँ? हाँ है ना। दिखो अंचल शोर लाने ठंड लग रही है। बोले ना ब्लैक कलर का है ना। ये 200 पैसे। देखो मैं कितनी अच्छी नमदू आंचल की शॉल लिया, स्पेशल बच्चों के लिए लिया, दोनों बच्चे ने लिए बांट के। खिचड़ी, ये है मलाई कोफ्ते की सब्जी, पीली दाल, चपाती और ये सैलेड। और हम फटाफट से खाने लगे अपना स्वादिष्ट खाना। खिचड़ी अच्छी है। अच्छी है।